अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। होप ठीक ठाक होंगे आप सबकी दुआओं से। और बस कर दिया तरकीबां कर कुर के, पहले से बहुत बेटर हूँ। वापस रूटीन में तो ओबियसली आना ही था, घर की आना पै रही थी, और उनकी करिए है ना भाई। ठंड इतनी है यूके में, और मेरा बाजू जो है ना इसकी पेन नहीं जा रही, वो बहुत शार्प पेन जो है ना, शार्प वाली पेन, ग्लास दी हुई वो वाली पेन जो है ना वो नहीं जा रहे। तो लेकिन सोफा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तेल लगाया था सर पे, तो अभी बाल धो के आई हूँ कि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता, आज आपको अपने पूरे दिन की पूरी रूटीन दिखाऊँगी, नाश्ते से लेकर लंच तक की। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जूस पीते हैं, एनर्जी लेके आते हैं। फिर उसके बाद अमन ने तो नाश्ता कर लिया अज साडे बगैर ही, से अज अमर दा ते असी नाश्ता नहीं बनाना, बायकॉट। लोग बायकॉट शॉपा ना कर देने, असी बायकॉट अमर अमर के साथ बायकॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ते के साथ साथ ही जो डिनर बनाना है, आए अल्लाह, मीट भी काढ़ लेने फ्रीजर दे विचों, ताकि वो भी काम खत्म हो जाएगा, और देखेंगे वो भी काम खत्म हो जाएगा और डिफ्रॉस्ट हो जाएगा जब तक मेरी कुकिंग होगी। तो ये देखें जी, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट निकाल लिया, इसको अब हम कर देते हैं सो, फिर नाश्ते की तरफ चलते हैं फिलहाल। अच्छा जी, तो चिकन को भी निकाल दिया, और अभी फ्रिज में से अंडे वगैरह निकाल लेते हैं। जूस तो मैं एक काट के रख लिया, आमर ऑरेंज का पीते हैं, अंडे निकालते हैं। ये ना आजकल हमारे घर शौक चढ़ा हुआ है वाइट अंडों का, वाइट अंडों का। तो ये देखिए जी, ये मैंने निकाले हैं, बच्चों ने नाश्ता कर लिया हुआ, बच्चों ने नाश्ता कर लिया हुआ। आमर ने बस बॉयल अंडा खाना है, तो वो बॉयल करने के लिए मैं रख देती हूँ। तो अपने लिए मैं फ्राई ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने चाहिए एनर्जी। तो ये आपको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ, ठहर जाओ। अच्छा जी, और किसी ने अंडा नहीं खाना, मैंने पूछ लिया। पानी डालते हैं और इस स्टीमर को ऑन कर देते हैं, ऑन हो गया। तो ये अंडा खुद ही बॉयल हो जाएगा, अब मैं जाके अपना। अच्छा जी, मैंने अपने दो पीस ब्रेड के भी डाल दिए टोस्टर में, यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो रख दिया। अब इसके अंदर एग डाल देंगे, तो बस फिर नाश्ता बना के खाओगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अच्छा जी, अंडे मेरे पक रहे हैं, तो चलो जी ऐसी ब्रेकफास्ट ते ब्रेड हूँ तो मैं नाश्ता करती हूँ और आपसे मिलती हूँ जब बाकी काम करूँ। नाश्ता नुश्ता देने के बाद सफाई करने से पहले मैंने हांडी जो है वो रख दी है, और अभी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी आज आपको पूरा दिन का। आज मैं प्रॉपर आने के बाद आज प्रॉपर मील जो है वो मैं खुद बना रही हूँ। तो आते ही बस एक दो दावतें थी, वहाँ पे चले गए, अम्मी की तरफ से फूड आ जाता था, एक आधा दिन बाहर से खा लिया। तो आज जो है वो प्रॉपर किस्म का फुल फूड जो मैं अपने किचन में बनाती हूँ वो बना रही हूँ, तो वो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। साथ साथ में क्लीनिंग कर रही हूँ, वो भी जा रही है, और साथ साथ में कुकिंग, ताकि मेरे काम जड़े ने टाइम ना ख़त्म हो जाए। तो चलें आपको दिखाती हूँ। चिकन के लिए, चिकन टिक्का मसाला के लिए मैंने जो है वो प्याज लहसुन को अच्छे से पीस के, तो उनको ब्राउन करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करने शुरू कर दिए हैं, चिकन और आलू के कटलेट्स बनेंगे। चावलों के लिए मैंने लहसुन अदरक पीस लिया है, चावलों के लिए प्याज भी काट लिया। तो बस बाकी जड़ी भी रूटीन है थोड़े नाल आज पूरी शेयर होगी। तो अभी जो है वो चिकन गले तो नहीं पर भुनन वाला हो गया, अभी इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, सारे मसाले इंक्लूडिंग खुश्क मेथी, अभी इसकी बुनाई शुरू करेंगे। ठीक है, टमाटर को थोड़ा गलने देंगे, तो फिर उसके बाद ये बुनाई शुरू करेंगे, और फिर एंड पे थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला डालेंगे दही में मिक्स करके, फिर उससे भी इसकी बुनाई करके, तो 15 मिनट फिर इसको दम पे रख देंगे। साग बनेंगे जी, मटर और पुलाव, टिकियाँ बनेंगी साथ में, रायता है, सैलड है, तो ऐ हो गया, तो बाकी कम भी नाल नाल कर लेंगे। ये चाह मेरे ख्याल ना स्लिम टी में अपने ले लैके आई थी, स्लिम टी का ये मतलब नहीं कि हनी पा के पियो, उंजी पी दा।
कुकिंग करते करते किचन में से देखा है कि स्नो पड़ना शुरू हो गई है। लै जी इन्ने सोहने वैदर चो आए हैं इतने आ गए, ठंड ही नहीं साडा पिछा छड़ दी, हुण हो गई है स्नो शुरू। और यहाँ पे मैंने टिक्कियों के लिए आलू जो है उनको भी छील लिया, मैशर से ही कर लेना, मैंने मैश इनको अच्छे तरीके से। तो बस फिर चिकन जो मैंने बॉईल किया ना टिक्कियों के लिए उसको कूट के तो इसमें मसाला ढाल के टिक्कियाँ बना लेती हैं। इसके अंदर मैंने चिकन कूट के डाल दिया है, हरा धनिया और नमक भी डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगी दड़ मिर्च और ज़ीरा, अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं तो फिर इनकी टिक्कियाँ बनाते हैं। टिक्कियाँ हमारी अच्छे तरीके से बन चुकी हैं, ये देखिए माशाल्लाह से, कटलेट्स कह लें टिक्कियाँ कह लें कुछ भी कह लें, हांडी माशाल्लाह से रेडी है। हांडी माशाल्लाह से रेडी है, बस चावल बनाते हैं टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। तो लै हूँ मेरी शक्ल ही नहीं बनाऊँ इंज करा नीते आएगी। अच्छा जी, तो अब मैं कुकिंग वगैरह करके हांडी बना के, कुकिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा पूरा आज रूटीन दिखावांगी। तो यहाँ आके जोर की नमाज का टाइम निकल रहा था तो मैं फटाफट अंदर आ गई हूँ। तो एक मेरा पैकेज आया हुआ था टीमू से, तो मैंने कहा उसका ज़रा आप लोगों के सामने उसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ और फिर उसका रिव्यू मैं दूंगी जब मैं उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये देखियो पैकेट भी अद्धा खुले ही आया, मैं कोई नहीं खोलिया। तो ये मैंने ना इसके अंदर दो मंगवाए हैं, ये लेदर स्टिक ऑन है, स्टिक ऑन लेदर यानी इनके नीचे स्टिकी लगी हुई है। अगर आपके सोफे अच्छी कंडीशन में है, नए सोफे हैं, और अगर क्योंकि अक्सर लेदर के सोफों में ना हल्का सा क्रैक पड़ जाता है नीचे, तो मेरे सोफों में भी यही हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको देखते हैं कि ये कैसा है, तो फिर ओवरसी इसको ट्राई करेंगे। मैंने दो मंगवा लिए हैं जस्ट इन केस, अच्छा लगा तो फिर वापस चीज़ भी नहीं लगती ना। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, अभी मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और सोफे को अच्छे से फिर साफ करके फिर इसको लगाऊंगी जहाँ पे हल्का सा क्रैक पड़ा हुआ है। तो ये देखने में तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, ठहर जो जरा तो खोल के दिखानी है थोड़ी सी जो मुझे नजर आई है। और ये कोई महंगी भी नहीं मिली मुझे टीमू से, एक रोल जो है मेरे ख्याल से 3 पाउंड का मुझे मिला, और लेदर देखें बड़ी अच्छी सी बनी हुई है। ओवियसली ये पता नहीं है प्योर लेदर होगी या नहीं होगी, उन्होंने लिखा हुआ तो था क्योंकि मेरे सोफे जो है वो प्योर लेदर के हैं। तो ये देखें ये इसके पीछे स्टिकी ऐसे लगी हुई है, इसको पील करेंगे, लेकिन अभी मैं पील नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपना वेस्ट नहीं करना। फिर आप इसको कट कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा रोल है, मेरे ख्याल से 1.5 गज का ये रोल है, तो मुझे तो बस थोड़ा सा चाहिए था पीस, तो लेकिन बाकी हम रख लवेंगे। तो ये इसको मैं पूरे वहाँ नाप के तो उसके ऊपर फिर लगाऊंगी, जब लगाऊंगी तो इसकी वीडियो बनाऊंगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरे ख्याल से मैंने अच्छी चीज़ इन्वेस्ट की है। तो ये जिनके सोफ़ा, इसमें सारे कलर हैं जो आपके सोफ़ों के होते हैं। तो टीमों पे पहले तो होता था कि आप जितने मर्जी 1 पाउंड 2 पाउंड की शॉपिंग कर लें, आपको पता है मैंने पहले भी की थी, लेकिन अभी उन्होंने लिमिट रख दी है 15 पाउंड टू स्पेंड। तो फिर मुझे ये और अभी फिर ना मुझे ये साथ में ऑर्डर करना पड़ा कुछ, तो मैंने और तो कुछ समझ नहीं आती थी आंधी सी, तो फिर मैंने ये दो चीज़ें साथ में ऑर्डर कर दी। अभी मैंने देखा तो उनके ऊपर बड़े अच्छे ईद के बैग, ईद के गिफ्ट बैग, ईद के मनी बैग बच्चों के लिए, तो अब मैं करूँगी इंशाल्लाह वापस से वो चीज़ें भी ऑर्डर, क्योंकि इनकी अब डिलीवरी भी फास्ट हो गई है। जब ये नई नई चली थी टीमों तो उस वक्त इनकी डिलीवरी मंथ में आती थी, अभी ये वीक में आ गई है। तो फिर मुझे ना ये एक किचन के लिए चीज़ अच्छी लगी थी, बड़ी अच्छी ट्रे थी ये, तो मैंने फिर ये साथ में ऑर्डर की। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कैसी निकल के आती है। ये देखें वुड की ट्रे है, प्लास्टिक है, लुक लाइक वुड है लेकिन अच्छी है। तो फिर मैंने साथ में ये ऑर्डर की थी जो कि बहुत अच्छी आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। 1-2 कप कोई बंदा आ जाए तो चाह अंदर लेके आने, तो ये देखें ये भी बड़ी अच्छी है। तो रिव्यू वैसे टीमों का अच्छा हो गया। तो चले ये तो थी चीज़ें टीमों से, बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी दिन की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। तो अब बारी आ चुकी है डिनर की, तो डिनर के लिए बस मैंने चावल जो हैं वो भिगो दिए हैं क्योंकि सालन पक गया था, टिक्कियाँ आपके सामने बना ली हुई थी। तो अभी टिक्कियों को फ्राई करते हैं,
और चावल पकने के लिए रखते हैं, मटर पुलाव पकेगा जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो मटर पुलाव बनाते हैं। अभी आपको कैमरा नज़दीक करके दिखाती हूँ। मैंने ना प्याज को जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दिया है, ऑयल गर्म करना शुरू कर दिया टिक्कियाँ फ्राई करने का, और बस साथ साथ माशाल्लाह सारे काम करते हैं। अंडे को फेंटना शुरू कर दिया, ब्रेड क्रम्स मैंने निकाल लिए हैं। सैलेड के लिए प्याज काट लिया है, क्यूकम्बर और बाकी चीज़ें जो हैं वो उनकी अभी कटिंग होनी है। टिक्कियाँ भी फ्रिज से निकाल ली है मैंने, ये देखें। तो बस अभी इनको फ्राई करना शुरू करते हैं और आपसे साथ साथ में बातें करते हैं। टिक्कियाँ जो हैं उनको फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इनको ब्रेड क्रम लगाएंगे हल्के हल्के, जितनी ब्रेड क्रम लगती हैं उनको लगा लेंगी, बाकी फिर मैं वैसे ही कर लूँगी। हमें तो होता है ब्रेड क्रम वाली, तो ब्रेड क्रम कम ही थे, जितने हैं उतनी बना लूँगी, बाकियों फिर एंड ही कर लूँगी। सही है ना, सब तो किसी तरह नहीं है सामने, तो जितने को लगेगा उतने को लगा लेंगे, बाकी को वैसे ही फ्राई कर लूँगी। तो ये एक किस्म की आपके लिए रमज़ान के लिए भी हुई, अच्छा टिशन मांग लो कि देखिएगा। चावलों च भी चमचा प्याज के बीच खेई जाओ, इन्होंने के प्याज जरा तो सड़क जाए। बस अब टिक्कियाँ फ्राई करती हूँ, चावलों का तड़का करती हूँ, फिर आपसे मिलती। चावलों का मसाला जो है उसकी बुनाई मैंने शुरू कर दी है, मसाले मैंने सारे डाल लिए हैं। तो अब इसके अंदर जाएंगे मटर, टिक्की मटर डाल के, तो बस इनको 2 से 3 मिनट भुनेंगे। फिर मैंने चावल भिगोए हुए हैं, चावलों के हिसाब से पानी डाल के इनको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की सी इनकी भुनाई होगी। दूसरी तरफ हमारी एक पूड़ टिक्कियों का भी रेडी हो गया, वो भी हम निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको इनको रेडी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं, टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया। तो बस अभी इसको को रेडी करती हूँ, फिर चावलों को भी नमक लगा पुलाव इस तरह है माशाल्लाह से। बस अभी इसको थोड़ी देर में दम पे रखेंगे, तो बस फिर देना हमारा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। चावल माशाल्लाह से देखें रेडी हैं, देखें कैसे कल्ले कल्ले बने हैं माशाल्लाह। हो गया हमारा मटर पुलाव, बड़ी हिला जला दी है कि हो गया है। इसको हम कुकर से माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बन गया। फाइनल लुक हमारे सालन की भी माशाल्लाह से, मैं टिक्कियाँ रायता सैलड जो जो वो पिए कट्टन। ये है ब्राउन ब्रेकफास्ट जो कि हम राइस के साथ ज़रूरी खाते हैं, कोई भी चावल पके हों ऐसी राइस ब्रेकफास्ट ब्राउन ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, ऐसी नाम ज़रूरी खाने हैं, ऐसा सामने चंगे लगे। बन गई मैंने चावल के खाने में, बस सही आ गए, बाकी सारा कुछ हो गया। अल्लाह हाफिज़।